दोस्तों हाल ही में मैंने बिग कंपनी की ये वाली पेंस खरीदी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी का यूज़ करके मैं आज ड्राइंग को बनाऊंगा। और इसको मैंने अमेजोन से लिया है 300 रुपये में। आप लोगों को 50 पेंस मिल जाएंगी इस पर। मैक्सिमम आर्टिस्ट दोस्तों इसी का यूज़ करके ड्राइंग को बनाते हैं, तो मैं भी आज बनाऊँगा। और मैं फर्स्ट टाइम बॉल पेन से बना रहा हूँ ड्राॅइंग को, तो कॉमेंट पर बताना ड्राॅइंग किस तरीके का बना है, और वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना। सबसे पहले दोस्तों मैं बॉक्स को खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे पेंस हैं इसमें। 50 पेंस आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों इसका पॉइंट जो है 1 mm है, तो आप लोगों को इजीली शार्प लाइंस मिल जाएगी। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये पेन किस तरीके से काम करता है। तो एक शीट पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, जिस पोर्शन पे आप डार्क करना चाहते हैं उस पोर्शन पे प्रेशर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, और लाइट पोर्शन पे प्रेशर का यूज़ कम करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बॉक्स बना के दिखाई देता हूँ डार्क से लाइट शेडिंग को किस तरीके से बनाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिस पोर्शन पे डार्क है उस पोर्शन पे मैं प्रेशर का यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ तो डार्क बन रहा है, और जिस पोर्शन पे लाइट है उस पोर्शन पे मैं प्रेशर का यूज़ कम करूँगा। दोस्तों मैंने KR आडवाणी का फ्री हैंड आउटलाइन पहले से बना के रखा है, और आप लोगों को मैंने बहुत बार दिखाया है फ्री हैंड आउटलाइन बना के, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले दोस्तों आँखों का जो पोर्शन है उसको मैं दे रहा हूँ, और आईब्रोज को आप लोग देख सकते हैं, आईब्रोज का जो एक एक बाल है उसको मैं अच्छी तरीके से दूंगा। दोस्तों पेन से आप जब भी ड्राइंग को बनाते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे बनाइए। पेन से अगर गलती हो जाती है ड्राइंग में तो आप इरेज बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी मटेरियल से। तो आंखों का जो आउटलाइन मैंने बनाया है उसके ऊपर ही मैं लाइन को दे रहा हूँ, तो पहले मैं लाइन को दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं शेडिंग को बनाऊंगा। दोस्तों जिस तरीके से हम लोग पेंसिल से बनाते हैं, पहले लाइट शेडिंग को उसके बाद धीरे धीरे डार्क शेडिंग को, सेम प्रोसेस की मदद से पेन से भी करूँगा मैं। पहले लाइट शेडिंग को उसके बाद धीरे धीरे डार्क करूँगा। तो स्किन टोन को मैं बहुत ही लाइट करके दे रहा हूँ, और आप लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस पेन से, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम काम करने से बॉल के साइड पे जो इंक है वो जमा हो जाता है। उस जमे हुए पोर्शन को पोंछने के लिए आप लोग कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जमा हुआ पोर्शन दोस्तों स्किन टोन पर अगर आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। जिस तरीके से मैंने दोस्तों इस आग को बनाया है, सेम प्रोसेस का यूज़ करके मैं दूसरे वाला आग भी दे दूंगा, और पहले मैं लाइट करके दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे डार्क बनाऊंगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं।
जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है, लाइट टोन को देने के लिए प्रेशर का यूज़ बहुत ही कम करना होगा, तो यहाँ पर मैं प्रेशर का यूज़ बहुत ही कम कर रहा हूँ स्किन टोन को देने के लिए। आंखों पर दोस्तों मैंने जिस तरीके से हाईलाइट को बनाया है, सेम प्रोसेस की मदद से मैं होठों पे भी हाईलाइट बनाऊंगा। पहले दोस्तों मैं आउटलाइन के ऊपर ही लाइंस को दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं शेडिंग को बनाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं हाईलाइट को किस तरीके से दे रहा हूँ, और हाईलाइटेड जो पोर्शन है उसको मैंने मार्क कर लिया है, इस पर मैं शेडिंग नहीं बनाऊंगा। स्किन टोन से दोस्तों बालों का पोर्शन बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं प्रेशर का यूज़ ज़्यादा करूँगा, और जितना ज़्यादा मैं प्रेशर का यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा डार्क होता जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, बालों का जो डायरेक्शन है उसको अच्छे तरीके से देखें उसके बाद ही बनाइए, आप लोग इरेज नहीं कर सकते अगर गलती हो जाती है। जिस पोर्शन पे दोस्तों ज़्यादा डार्क है उस पोर्शन पे मैं बार बार पेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेयर्स का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग जब भी पेंसिल से ड्राइंग को बनाते हैं तो पेंसिल में ब्लेंडिंग करने के बाद बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता था, लेकिन पेन में ऐसा नहीं है, पेन में आप ब्लेंडिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और दोस्तों मुझे लगता है कि पेन से ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शेडिंग को बनाने में, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है अगर आप पेन से ड्राइंग को बनाते हैं। कपड़े का जो पोर्शन है दोस्तों उसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है, तो उसको मैं अच्छे तरीके से डिटेल करके दे रहा हूँ। और दोस्तों मेरा ड्राइंग जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, अभी मैं मेरा सिग्नेचर को कर देता हूँ यहाँ पर।
तो मैंने फर्स्ट टाइम बॉल पेन का यूज़ करके ड्राइंग को बनाया है और मैंने मेरा भेज दिया है इस ड्राइंग में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को और कमेंट पे बताओ कि ड्राइंग किस तरीके का बना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिलते रहे।